तो ये ब्लॉग है होलिका दहन के इवनिंग टाइम का। तो अभी मैं बनाने लग रही थी यहाँ पे चॉकलेट मावा गुजिया। तो गुजिया की रेसिपी जो मैंने शेयर की है ना, उसी में बस डार्क चॉकलेट को ग्रेट करके और स्टफ कर देना है और हो गई हमारी चॉकलेट मावा गुजिया। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी की थी। बहुत सारे घर में मीठे बन जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राई की तैयारी की थी और सब काम मैंने रात में ही निपटा लिया था। तो गाइस बहुत ही मॉर्निंग से लगी हूँ, क्योंकि काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मुझे त्योहारों में ना किचन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ बनाना अच्छा लगता है। तो अभी ज्यादा खाना नहीं बना पाई हूँ, तलने वाला काम बाकी है। बाकी सब्जियाँ बन गई, छोले बन गए और खीर बनाती हूँ। तो गाइस बहुत ही फिलहाल काम हो गया, थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स कर लेते हैं। चाय बनाई हूँ तो चाय पी लेते हैं। और मैंने मुंह में कितना सारा तेल लगाया है, बालों में भी नारियल तेल लगाया है खूब सारा, ताकि गुलाल चिपके नहीं। खूब अच्छे से मैंने लगा लिया है, सुबह सुबह ही फेस वॉश करके और लगा लिया बहुत अच्छे से। क्या है भाई, लग रहा है कि भाई मैडम ने कुछ लाया है। हैप्पी होली क्या है होली? सो गाइज इस बार हमारी होली बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, हमने आपस में ही सेलिब्रेट किया। और हमारे यहाँ सभी बड़ों को पहले पैरों में ही गुलाल रखते हैं, तो मैंने अपने मिस्टर को पैरों में पहले गुलाल लगा दिया, फिर उनको लगा दिया यहाँ पे, और उन्होंने भी मुझे यहाँ पे गुलाल लगा दिया। फिर एक दूसरे का हमने मुंह मीठा करवाया और बस हो गई आज की हमारी यही इस साल 2021 की होली। तो आप सभी को मेरी भी ओर से हैप्पी होली गाइस। थोड़ा जिसम का लोअर पहनी थी काफी टाइम का पुराना, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था तो अभी चेंज कर दिया। प्लाजो के साथ भी टी शर्ट अच्छा लग रहा है। कर रहे हो सनी? तो गई अभी मैं अपने पड़ोसियों को भी दे के आ गई हूँ और अभी बनाने वाली हूँ मैं ये फ्रेंच फ्राई। रात को ही मैंने आलू को सब कर दिया था, इसको मतलब बॉईल कर दिया था, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा कलर लगा दिया था। तो कलरफुल बनाऊंगी अभी फ्रेंच फ्राई और चटनी से खाएंगे। मैंने रात को चटनी भी पीस दिया था, पकौड़े की तैयारी कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। और अभी बजे हैं दिन के 9:30 बजे हैं और ये है अभी आलू कचौड़ी बनाऊंगी। कितना भी ये सब हम लोग खा लेते हैं ना, तो फिर चावल खाते ही खाते हैं, तो उसके लिए मैंने बनाया है छोले। छोले भी दिखा देती हूँ। और इधर बनाई हूँ मैं आलू और सोयाबीन से, आलू दम जिसको बोलते हैं। तो चावल बनाऊंगी और ये सब्जियाँ ना घी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तरी वाली सब्जी। वैसे आज तो हमारे यहाँ भी नॉन वेज बनता है, लेकिन मैं जब से आई हूँ ना ऐसे अकेले सिटी में तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि घर के देवता के नाम से पूजा करती हूँ मैं, तो मैं नहीं। और आधा भी फ्रेंच फ्राई अभी बनाऊंगी, बहुत देर से मैं रख के जाएंगी ना उन लोगों को देने के लिए। तो हाफ फ्राई मैंने रात को ही कर दिया था, अभी फुल फ्राई यहाँ पे करूंगी इसको। और कितना सारा काम हो जाता है ना आज के दिन, इस त्योहार में बहुत ज्यादा हो जाता है। बर्तन भी खूब मेरे हुए हैं आज, एक त्योहार के इतने बर्तन हो जाते हैं ना कि मैं 3 दिन तक धोते रहती हूँ, धोते ही रहती हूँ। पूरा स्टैंड खाली हो जाता है, धीरे 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 कर करके धोते रहते हैं। तो पहले वाली बात नहीं है होली का, यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा है। सुबह के बज गए हैं 9 और कहीं भी नहीं कोई दिख रहा है। हम लोग आपस में ही अभी लगाए हैं एक दूसरे को गुलाल, कोई भी नहीं दिख रहा है कहीं भी। अंदर भी शायद कोई नहीं खेल रहा है, बच्चे तो थोड़ा बहुत सुबह खेल रहे थे।
लेकिन अभी कोई नहीं दिख रहा है कहीं। और ये देख लीजिए मथुरा की होली, यहाँ पे ये देख लीजिए, कोरोना है ही नहीं। आप लोग भी देख ही रहे होंगे टीवी में, कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई कोई मास्क पहने हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ पे कृष्ण नगरी है इसलिए यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, यहाँ भगवान है। सो गए, जैसे ही मैं थोड़ा सा स्नैक्स लेके अपने मिस्टर के साथ आज के दिन बैठी ना खाने के लिए, तो बाहर से बेल की आवाज़ आई। और थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए जवानों की यहाँ पे होली। तो नीचे देख लीजिए व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लोअर में मेरे मिस्टर वहाँ पे गोबर से नहाए हुए हैं। और भी सूट देख लीजिएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद का यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही लिया है अभी। सो गए जी, है हमारी आज की होली स्पेशल थाली। तो अभी मैं थोड़ा सा भगवान जी के पास रख लेती हूँ। तो ग्लास में मैंने यहाँ पे खीर रखा है और ये मैंने कल ठंडाई बनाया था, तो अभी मैं इसमें एक स्ट्रॉबेरी भी रख दी हूँ। तो ये स्ट्रॉबेरी ना फ्रोजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर में ना इसमें आइस जो जमी रहती है ना, ये मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आप फ्रिज में रखेंगे और किसी भी चीज़ में डालेंगे ना, तो ये फिर पिंक हो जाएगा ठंडाई और टेस्ट भी अलग आएगा। सो गाइस, ये थी आज की मेरी वीडियो। और कैसी लगी है मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।